नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी। शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ, जहां आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने जा रहे हैं। 12:14 का वो समय होगा जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे शीतकाल तक के लिए। गंगोत्री धाम में सुबह से पूजा अर्चना चल रही है। विशेष तरह की तैयारियों पर अमली जामा पहले से ही पहना दिया गया था। बहुत खूबसूरती के साथ धाम को सजाया गया है, जहां अब तक 8,12,000 भक्तों ने दर्शन किए हैं। साथ ही 8 क्विंटल फूलों से धाम को सजाया गया है। सजावट एक अलग तरह की गई है और ऐसे में अब और उम्मीद जताई जा रही है 12:14 पर जब धाम के कपाट बंद होंगे तो वहां पर भारी संख्या में श्रद्धालु के जो पहुंचने का सिलसिला है वो इस आंकड़े को भी पार कर सकता है, जो कि 8,14,000 बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर, चारों धामों के जो यहाँ पर यात्रा है वो मार्च में यहाँ पर शुरू हो गई थी, उसके बाद से जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही थी। लेकिन गंगोत्री धाम का जिक्र किया जाए तो आज उसके कपाट बंद होने जा रहे हैं। पूरी तरह से जो मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना की जाएगी विधि विधान के तहत, और उसके बाद 12:14 का वो शुभ समय निकाला गया है कई गणमान्यों की तरफ से, जब कपाट को बंद कर दिया जाएगा। गंगोत्री धाम में सुबह से पूजा अर्चना चल रही है। अब तक 8,12,000 भक्तों ने दर्शन किए हैं। 8 क्विंटल फूलों से धाम को इस दौरान सजाया गया है और अभी भी जो श्रद्धालु हैं वो भारी संख्या में धाम पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। तो बड़ी खबर और ये अहम जानकारी, जहां आपको बता दें कि गंगोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे, क्योंकि एक प्रक्रिया होती है शीतकाल के लिए। गंगोत्री धाम के जब कपाट बंद होंगे तो 12:14 का वो समय, अब तक 8,12,000 श्रद्धालु यहां पहुंच चुके हैं दर्शन करने के लिए। अभी भी लंबी लंबी कतारें श्रद्धालुओं की देखने को मिल रही है। इसके साथ ही गंगोत्री धाम को बहुत खूबसूरती के तरीके से सजाया गया, जहां ये कहा जा रहा है तकरीबन 8 क्विंटल फूलों से धाम की सजावट की गई है। हालांकि जब इन तिथि की घोषणा हुई थी कि कपाट कब कब बंद होने हैं, चारों धामों के अलग अलग तिथियां निकाली गई थी, तो उसके बाद से तैयारियों को अमली जामा पहनाया जा रहा था। और ऐसे में गंगोत्री धाम कपाट की अब बारी है, जब अभी कपाट बंद होंगे 12:14 पर, और वो शुभ समय काला गया था। गंगोत्री धाम में सुबह से ही पूजा अर्चना चल रही है। अब तक 8,12,000 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं और अभी भी जो श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है। तो ये अहम जानकारी इससे जुड़ी हुई आप तक साझा कर रहे हैं। 12:14 पर कपाट बंद हो जाएंगे। गंगोत्री धाम में सुबह से ही पूजा अर्चना। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अशोक, 12:14 का वो शुभ मुहूर्त होगा जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे, फिलहाल सजावट को लेकर क्या तस्वीरें देखने को मिली मौके पर, और क्या अभी भी श्रद्धालु पहुंच रहे हैं दर्शन करने के लिए? अशोक, आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, फिलहाल अशोक से संपर्क नहीं हो पा रहा, एक बार फिर से साधने की कोशिश। और ऐसे में आपको बता दें कि अब तक 8,00,000 से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो मौके पर पहुंचकर दर्शन कर चुके हैं और गंगोत्री धाम में, और आने वाले समय में ये संख्या और बढ़ती हुई नजर इसलिए भी आ सकती है क्योंकि 12:14 का वो समय होगा जब कपाट बंद हो जाएंगे। लेकिन जो श्रद्धालु की संख्या है वो मौके पर देखने को मिल पा रही है गंगोत्री धाम परिसर में। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए एक बार फिर से अशोक का रुख करेंगे, जो हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक, चूंकि देखिए 12:14 का वो शुभ मुहूर्त है जब गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे, क्या अभी भी ये जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसमें इजाफा हो सकता है, क्योंकि 12:14 पे कपाट बंद होंगे लेकिन उससे पहले लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए 10 मई से शुरू हुई चारधाम यात्रा का अब वो समय नजदीक आ गया है जब शीतकालीन के लिए चारों ही धामों के कपाट जो है वो बंद कर दिए जाएंगे और आज से ये सिलसिला शुरू हो जाएगा। माँ गंगोत्री धाम के जो कपाट है वो अगले 6 महीने के लिए शीतकालीन समय के लिए बंद कर दिए जाएंगे और 12:14 का वो शुभ मुहूर्त होगा जब माँ गंगा के यानी के माँ गंगोत्री के कपाट अगले 6 महीने के लिए बंद होंगे। इसके बाद माँ गंगोत्री की जो डोली है वो अपने मायके मुखबा का रुख करेगी और
मंदिर समिति के जो पदाधिकारी होंगे, श्रद्धालु होंगे, वो माँ गंगा की डोली को उनके मायके मुखबा तक लेके जाएंगे और माँ गंगा यानी कि माँ गंगोत्री अब अपने जो दर्शन है अगले 6 महीने तक श्रद्धालुओं को यानी कि जो देश विदेश से श्रद्धालु बड़ी संख्या में दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं अगले 6 महीने तक उनको दर्शन अपने मायके मुखबा में देगी। और इसकी शुरुआत अगर हम बात करें कपाट बंद होने को लेकर के तो इसकी शुरुआत कल से हो चुकी है। कल दीपोत्सव के मौके से ही लगातार वहां पर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और मां गंगोत्री धाम को अधिक से अधिक कुंतल फूलों से सजाया गया है। एक दुल्हन के रूप में पूरे मां गंगोत्री धाम को सजाया गया है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु वहां पर इस समय मौजूद हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप ये देखिए कि जब से कपाट बंद होने की तिथि की घोषणा हुई है तब से हम देख रहे हैं कि श्रद्धालु की संख्या में लगातार इजाफा होता जा रहा है और अब से ठीक यानी कि जब 12:14 पर माँ गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो जाएंगे अगले 6 महीने के लिए तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि जो श्रद्धालु का जो ग्राफ है ये बढ़ेगा। और जब सबसे ज्यादा ग्राफ तब बढ़ेगा जब माँ गंगा की डोली को उनके मायके तक लेके यानी के मुखबा तक लेके जाया जाएगा। तो इस बीच पूरे ढोल बाजे के साथ नगाड़े के साथ एक खुशी की तरह उन श्रद्धालुओं में वो आस्था दिखाई देगी जब वो डोली वहां तक ले जाएगा। यानी कि ये कहा जा सकता है ओवरऑल जब कपाट खुलने का समय हो या फिर कपाट बंद होने का श्रद्धालुओं में काफी ज्यादा उत्साह आस्था और खुशी देखने को मिलती है। निश्चित तौर पर एक उत्साह अलग ही तरह से देखने को मिल पाता है अशोक। और इस बीच अगर जिक्र किया जाए क्योंकि सुबह से कुछ तस्वीरें सामने आ रही गंगोत्री धाम की जहां 8 क्विंटल फूलों की माला से गंगोत्री धाम को दुल्हन की तरह सजाया हुआ है। चूंकि आपने भी जिक्र किया कि माँ गंगा की जो डोली है वो मुखबा की तरफ जाएगी जहां पर श्रद्धालु भी भारी संख्या में उपस्थित रहेंगे, लेकिन तैयारी किस तरह से की गई है चाहे मुखबा का जिक्र कर लिया जाए या गंगोत्री धाम से मुखबा तक प्रस्थान करने के लिए जो तैयारियां हैं उसे क्या विशेष रूप से अमली जामा पहनाया गया? बिल्कुल, देखिए तैयारियों को लेकर जैसे मैंने पहले भी बताया कि कल से ही दीप उत्सव के मौके से ही वहां पर जैसे कि 8 क्विंटल फूलों से पूरे गंगोत्री धाम को एक दुल्हन की तरह सजाया गया है और दीप उत्सव के मौके पर बहुत बड़ी संख्या में वहां पर दिए भी जलाए गए हैं और कल से ये तैयारियां लगातार चल रही है। और आज जब 12:14 पर कपाट बंद होंगे तो इस बीच में जब माँ गंगा की जो गंगोत्री की डोली है जब गंगोत्री धाम से चल करके उनके मायके मुखबा तक जाएगी तो सुरक्षा व्यवस्था के भी पूरे इंतजाम प्रशासन की तरफ से भी किए गए हैं और श्रद्धालु और मंदिर समिति के जो पदाधिकारी हैं बड़ी संख्या में इस दौरान मौजूद रहेंगे। वहीं मुखबा की अगर बात करें तो मुखबा में भी श्रद्धालु को काफी ज्यादा इंतजार है कि कब माँ बिल्कुल लगभग सभी तैयारी हो चुकी है, इंतजार किया जा रहा है। महज 12:14 का जब कपाट बंद होंगे उस दौरान क्या भव्य तस्वीरें सामने आ पाती है। फिलहाल जानकारी साझा की उसके लिए बहुत शुक्रिया अशोक आपका।